दर्शकों, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं ऋचा वर्मा हाजिर हूँ अभी तक की कुछ ताजा खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताजा खबरों पर। चांदपुर में परिवार के साथ ससुराल जा रहे बाइक सवार युवक की ट्रक से कुचलकर मौत, पत्नी और बच्चे हुए घायल। नजीबाबाद में राशन लेने के दौरान दो गुटों में जमकर हुई मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे। नगर के मोहल्ला पठानपुरा का मामला। नेटौर में कपड़े की फैक्ट्री में चोरों ने ताले तोड़कर अल्टरनेटर सहित कीमती सामान चुराया। नजीबाबाद में आकाशीय बिजली गिरने से 12 वर्षीय किशोरी की मौत, घटना से परिजनों में मचा कोहराम। नगीना में द्वादशी के मौके पर धूमधाम के साथ निकाला गया रंग का जुलूस, जुलूस में ड्रोन कैमरों की मदद से की गई निगरानी। रंग बरसे आज न छोड़ेंगे मंजोली, खेलेंगे हम होली। होली के दिन दिल खिल जाते हैं। जीनियस जीनियस शुरू हो रहा है अभी तक चैनल पर। जीनियस कौन सीजन 3। अब की बार जीनियस कौन सीजन 3 में भाग लिया है मुरादाबाद मंडल के छात्र छात्राओं ने, जिनमें से चुने गए 36 जूनियर और 36 सीनियर ले रहे हैं इस प्रतियोगिता में भाग। आप वंचित न रह जाइएगा इन होनहार बच्चों की प्रतिभा देखने के लिए। अभी तक पर शुरू हो रहा है यूपी का पहला टीवी शो जीनियस कौन सीजन 3। कौन बनेंगे जूनियर और सीनियर के जीनियसेस? बने रहिए अभी तक चैनल के साथ और देखते रहिए टीवी शो जीनियस कौन सीजन 3। नजीबाबाद में मीडिया कर्मियों ने किया होली मिलन समारोह का आयोजन, भारी संख्या में गणमान्य लोग शामिल हुए। शेरकोट के मुस्तफापुर तैयब में घरों के सामने कूड़े डालने को लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त, कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश घायल, एक दरोगा को भी लगी गोली। बहजोई में ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक में विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा। संभल के गुरुद्वारा साहिब में पेश की गई आपसी भाईचारे की मिसाल, लोगों को एकजुट होकर अमन चैन के साथ रहने का पैगाम दिया गया। विस्तार से। नजीबाबाद में आकाशीय बिजली गिरने से 12 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 12 साल की मोनिका मौसम खराब होने के चलते छत पर रखे उपले ढकने के लिए गई थी, लेकिन जब घंटों तक मोनिका का पता नहीं लगा तो छत पर जाकर देखा, जहां मोनिका का शव पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि मोनिका के पिता की 3 साल पहले ही मौत हो चुकी है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। उधर जिला प्रशासन की टीम ने मोनिका के घर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। नजीबाबाद से नईम सिद्दीकी और बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। आनंद कुमार जी, ये बताइए घटना कैसे घटित हुई? कल सर शाम के टाइम जो बिजली लग रही थी काफी तेज जी सर, उसकी तबीयत में जो होली के अवसर क्या समय रहा होगा? लगभग 5:30 के बीच में बच्चे के जो होली के अक्सर बुरकल नुकले बना के शायद उसको उतारने या उसको ढकने के लिए पन्नी से जी जी। और उसी टाइम पे सर ऊपर छत पे तिमंजी पे वो। क्या नाम था बेटिया का? नाम मोनिका। मोनिका पापा का नाम इनके? पापा सर इनके अभी एक्सपायर हो रखे है, पापा का नाम नहीं पता। अच्छा, मम्मी है इनकी। नेटौर में चोरों ने कपड़े की फैक्ट्री को निशाना बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे डाला।
चोरों ने मोहल्ला नई बस्ती में मुस्लिम फंड गर्ल्स स्कूल के पीछे कपड़े की फैक्ट्री के ताले तोड़कर अंधा रखा 40 केवीए का अल्टीनेटर, एक बैटरा और गैस का सिलेंडर चोरी कर लिया। चोरों ने फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी डायरेक्शन मोड़ दी। फैक्ट्री स्वामी शाहिद ने बताया कि चोर लगभग 70,000 का सामान चोरी कर ले गए। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। नेटावर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। शायद भाई बताइए कि रात क्या घटना हुई आपके साथ में? यहाँ सुबह देखा के तो गेट खुला पड़ा था और जनरेटर जो था ये देखा हमने तो जनरेटर जो है यहाँ नहीं था, वो चोर उठा के ले गए बाहर और इसे खोला। अच्छा, यहाँ खोल के सामान ले गए और एक बैटरा। क्या क्या ले गए? एक बैटरा नहीं है यहाँ और एक सिलेंडर नहीं है, गैस सिलेंडर। क्या खिड़की तोड़ी है? हाँ, खिड़की तोड़ी। सीसी कैमरे लगे हुए थे आपके यहाँ पर? सीसी कैमरे लगे हुए हैं। तो फिर नहीं, अभी नहीं मिला। कैमरे क्या हुआ? कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद आ रही, थोड़ी थोड़ी आ रही, फिर बंद हो रही है। और उसे बुलाया है हमने, जो कैमरे वाले ना, उनको बुलाया है। चांदपुर में पत्नी और बच्चों के साथ ससुराल जा रहे एक बाइक सवार युवक की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अमरोहा के नौगावा सादात निवासी कपिल अपने पत्नी और एक साल की बेटी के साथ बाइक से चांदपुर अपने ससुराल जा रहा था। तभी पृथ्वीपुर के निकट नहर के पास पहुंचने पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार कपिल की मौत हो गई, जबकि पत्नी किरण और बेटी भावना घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। तुषार वर्मा की रिपोर्ट। यशपाल सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? राम लोहार। अच्छा, ये जो घटना हुई है आपके कौन लगते थे? ये बहन हुए थे। अच्छा, कैसे हुआ हादसा? ये नौगाए से हमारे घर पर आ रहे थे जी। आज सुबह छोटी लड़की की लगन रिश्ता जाना था, उसमें जी समारोह में शामिल होना था इनको जी। इधर से गन्ने का ट्रक जा रहा था जी, उधर से आ रहे थे गन्ने वाले ने इनको चढ़ा के दिया। अच्छा, मौके पर जाके इनकी डेट। अर्जुन कुमार, कहाँ के रहने वाले? राम लोहारपुरा। अच्छा, जो हादसा हुआ है, क्या मामला है? ये मेरे बहन के साथ थे। अच्छा, ये मेरे घर पर आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? नौगाए से। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये उधर तार दे तक जाड़ता, इनकी मौत होगी। नगीना में रंग द्वादशी का जुलूस धूमधाम के साथ निकाला गया। जुलूस का शुभारंभ मंदिर मुक्तेश्वर नाथ बड़ा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद किया गया। जुलूस के दौरान सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल की भी तैनाती रही। शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी गई। जुलूस नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ स्टेशन पहुंचकर संपन्न हुआ। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस क्षेत्राधिकारी अर्चना सिंह, कोतवाली प्रभारी राजेश कुमार तिवारी भी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। नगीना से कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट। चंदौसी में नगर पालिका में नगर की सफाई व्यवस्था को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजकुमार, सेनेटरी इंस्पेक्टर प्रियंका सिंह, राजीव राजपूत ने सफाई व्यवस्था को लेकर सफाई नायकों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर होली की शुभकामनाएं दी। चंदौसी से रामवीर सिंह चौहान की रिपोर्ट।
आम नागरिकों को भी कोई समस्या ना हो। हम जिस प्रकार घर में होली मनाते हैं, इसके बाद घर को पूरी तरह साफ सुथरा करके खुद को साफ करते हैं। तो मैंने ये सभी नागरिकों को अपने कह दिया कि ये शहर आपका घर है और होली खेलिए, सौहार्दपूर्ण माहौल में खेलिए और खेलने के बाद साफ सफाई पूरी अच्छी दिखनी चाहिए। और इसी को लेकर मैंने सभी को इस चीज़ को कहा कि होली खेलने के बाद शहर एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। नाली अगर चौक है उसे भी सही निकाल के जो है ठीक ठाक कर देना है। और होली इस तरह आप खेलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अगर नहीं चाहता उसके ऊपर रंग पड़े तो आप उसको ऊपर रंग डाल के अनावश्यक किसी भी प्रकार का विवाद ना करें। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो मस्जिद है या मंदिर है कहीं किसी भी प्रकार का जो है उस पर अनावश्यक जो है होली रंग डाल के कोई किसी विवाद ना हो। खबरों में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप कहीं जाइएगा मत, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। सबकी खबर सब पर नजर, 24 घंटे पूरे सप्ताह हम पहुंचाते हैं आप तक आपकी बात। चाहे जैसी भी हो मुश्किल, कैसे भी हो हालात, हर घटना पर पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। आपके जिले की ताजा खबरें मिलती रहें आपको, चाहे करनी हो बुलंद आवाज, मनोरंजन एवं खेलकूद की खबरों का पूरा हाल, आपके जिले के कार्यक्रम और जिले की हलचल, रहे हमेशा अभी तक की खबरों के साथ। सबकी खबर सब पर नजर 24 घंटे। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी ताजा खबरों पर। संभल के गुन्नौर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल पुलिस ने पतरिया रोड पर चेकिंग अभियान चला रखा था। इसी दौरान जब पुलिस ने एक बाइक को रोका तो बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। बदमाशों की फायरिंग में एक दरोगा को गोली लग गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में एक गोली इनामी बदमाश जाके उर्फ चूहा को लग गई। पुलिस ने जाके चूहा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो जाके चूहा पर लगभग 15 मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ की सूचना मिलने पर SP यमुना प्रसाद और SSP आलोक कुमार जायसवाल ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। तीव्र प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। पतरिया रोड पे पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी इधर से निकल रहे हैं, जिसकी घेराबंदी की गई। इनको रोकने का इशारा किया गया लेकिन रुके नहीं। इन लोगों ने पुलिस पर फायर किया जिसमें हमारा एक SI देवेंद्र घायल हुआ। जवाबी फायरिंग में एक अपराधी भी घायल हुआ और उसको अभी इलाज के लिए भेजा गया है हॉस्पिटल में। अभी जो पता किया गया है, बेसिक जानकारी उसके बारे में मिली है, वो जाकिर उर्फ चूहा करके नाम है उसका, और 14-15 केसेज उसके लूट और CS एक्ट के मुकदमे हैं। गैंगस्टर एक्ट में वांछित था वो हमारे थाना नखासा क्षेत्र से। 15,000 का इनामिया ये अपराधी है। लगातार इस क्षेत्र में अपराध कर रहा था। अभी उसको घायल हुआ है, हॉस्पिटल भेजा गया है और हमारा SI भी जो घायल हुआ हॉस्पिटल गया है, और बाकी उसका एक साथी मौके से फरार हो गया है। उसकी कॉम्बिंग जारी है। एक बाइक सफ़ेद अपाचे मिली है और एक तमंचा मिला है, कई सारे कारतूस मिले हैं। इन सभी को अभी ऑन स्पॉट उसको पैक किया जाएगा, फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा, बाकी कॉम्बिंग जारी है, उसके साथी की तलाश की जा रही है। अकेला ही था सब साथ में? कोई एक साथी और था, उसका मौके से फरार हो गया है, उसकी तलाश की जा रही है, कॉम्बिंग चल रही है। बहजोई में ब्लॉक प्रमुख श्रीमती परबिता की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। बैठक में प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष ने क्षेत्र में बारिश और तेज हवाओं के चलते फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति का मुद्दा उठाया। इसके अलावा गौशालाओं में विद्युत आपूर्ति व उनके कर्मचारियों को मजदूरी भुगतान की समस्या का भी समाधान करने की मांग की है। इसके अलावा समाज कल्याण अधिकारी को पेंशन व उनके कार्यालय में अनाधिकृत लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने की भी मांग की है। बैठक में भारी संख्या में क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे। बैठक का संचालन ADO पंचायत राजेश चौधरी ने किया। बहजोई से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और इसमें देखिए, यहाँ पे पेंशन की समस्या है। मैं जब यहाँ पे ड्राइव किया था तो मैंने देखा था पेंशन की योजनाओं में समस्या है, लेकिन इसकी समस्या अकेले तो मैं तो अपने विभागीय स्तर से कार्रवाई कर रहा हूँ, जिसमें BDO साहब से भी मैं कोऑर्डिनेशन करके उसमें कार्रवाई कर रहा हूँ, ताकि मतलब की स्थिति अच्छी है और अच्छी हुई भी है। लेकिन आप लोगों से अपेक्षा है कि यदि आपको लगता है कि हमारे गांव में इतने व्यक्ति हैं
10 है 20 है 25 है आवेदन किया हुआ है, उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप किसी भी कार्य दिवस में कभी भी आप आ जाए, मैं ध्यान करा दूंगा। यदि वो भी नहीं करना चाहते हैं तो सूची को व्हाट्सएप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दे, मैं उससे टैकल करा दूंगा। संभल के गुरुद्वारा साहिब में आपसी भाईचारे की मिसाल देखने को मिली, जहां गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में पूर्व चेयरपर्सन तरनम अकील अपनी टीम के साथ गुरुद्वारा दीवान में पहुंची और लोगों को संबोधित करते हुए एकजुट होकर भाईचारे के साथ रहने का पैगाम दिया। इस मौके पर गुरुद्वारा साहिब कमेटी और सुखमनी सोसाइटी के सदस्यों ने उनका शोल उड़ाकर स्वागत और सम्मान किया। इस दौरान पूर्व चेयरपर्सन ने भी सिख समुदाय के लोगों का आभार जताया और सिखों द्वारा की जाने वाली लंगर सेवा की जमकर सराहना की। कार्यक्रम में भारी संख्या में सर्वधर्म समाज के लोग मौजूद रहे। संभल से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। कर रहा था, किसी का घर जला रहा था, किसी का कारोबार जला रहा था, वहाँ आप लोगों ने एक मिसाल कायम, एक क्षमा जलाई, इंसानियत को बचाकर लोगों को वहाँ से निकालकर दूसरी जगह पहुँचाकर आप लोगों ने रोकने की कोशिश की, वो जो हुआ तो हुआ, लेकिन आप लोगों का एक अच्छा चेहरा भी समाज के सामने आया। और मैं आप लोगों के बीच इसीलिए आई हूँ आज कि आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जहाँ भी हम कहें हिंदुस्तान के लिए एक शेर मुझे याद आ रहा है, आपने सुना के मेरा भी मनोबल बढ़ा दिया। न तेरा है न मेरा है कि हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है कि हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात का नुकसान सबका है। इसलिए खबरों में आज के लिए बस इतना ही, हम कल फिर हाजिर होंगे अभी तक की नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।